हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द टी रीति। मैं हूं प्रियंका और आज आपके साथ हम शेयर करेंगे एक और नई इन्फॉर्मेशन बेबीज के बारे में। हम बात करेंगे बेबीज के 6 से 12 मंथ्स के डाइट प्लान के बारे में। लेकिन अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें, जिससे मेरे आगे आने वाले सारे वीडियोज के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि अब हमारा बेबी 6 मंथ्स में एंटर हो गया है, दिस इज द आइडियल एज फॉर अ बेबी जब हम उसे एक सॉलिड फूड देना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि यही एक टाइम है जब बेबी को अपने न्यूट्रिशन के लिए एंड ग्रोथ के लिए कुछ सॉलिड्स की जरूरत है। सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क और फॉर्मूला मिल्क उसके लिए सफिशियंट नहीं है। लिक्विड फॉर्म में जो वो लेता है वो उसके लिए सफिशियंट नहीं है। कुछ सॉलिड हमें अब उसकी डाइट में इंट्रोड्यूस करने का सही समय आ गया है। जब हम वैक्सीन के लिए डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं तो वो भी हमें कई बार सजेस्ट करते हैं कि अब आप अपने बेबी को कुछ सॉलिड्स देना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि न्यूट्रिशन ब्रेन के लिए भी चाहिए। उसे ब्रेन शार्पर होता है, इसी समय डेवलप होता है, बॉडी पार्ट्स भी डेवलप होते हैं। तो बच्चे को ज्यादा अमाउंट में और थोड़ा हेल्दी फूड जो देर तक चले। मिल्क जो होता है वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो अब बस यही टाइम है कि हम उसे सॉलिड्स देना स्टार्ट कर दें। सॉलिड्स में भी हम पहले थोड़ा सेमी सॉलिड से स्टार्ट करें, मतलब बच्चा जो लिक्विड लेता है उसी को थोड़ा सा थिकर, मतलब एक प्यूरी फॉर्म में हम देना शुरू करें। क्योंकि अगर हम एकदम सॉलिड देंगे तो वो रिजेक्ट करेगा, वो उसको थूक देगा, वो उसे अंदर ही नहीं लेगा। तो हमें लगेगा बच्चे को भूख नहीं है या उसे टेस्ट नहीं आ रहा है, तो हम ये सोच के उसको देना ही बंद कर देंगे। लेकिन हम अगर थोड़ा पतले कंसिस्टेंसी में देंगे उसे तो वो इजीली लेने लगेगा। उठता है कि हम उन्हें क्या दे सकते हैं। हम उन्हें दे सकते हैं सूजी की खीर, हम उनको मुरमुरे का सेरेलेक दे सकते हैं, चावल का सेरेलेक दे सकते हैं, हम उनको प्यूरी बना के दे सकते हैं, बनाना प्यूरी, एप्पल प्यूरी, पाइन एप्पल। हम उन्हें सारे फ्रूट से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एक्सेप्ट मैंगो एंड सम स्ट्रॉबेरी, लाइक कोई ठंडी चीजें जो बच्चों को नुकसान देंगी, बस उनको छोड़ के हम सारे फ्रूट्स को अच्छे से स्टीमर से स्टीम करके उसकी प्यूरी बना के उन्हें दे सकते हैं। ये उनके लिए हेल्दी भी रहेंगी और उन्हें न्यूट्रिशन भी देंगी। एक दूसरी बात ये भी है कि इस एज में हमें बच्चों को थोड़ा पानी भी देना स्टार्ट करना होता है, वाटर देना होता है। हम बिल्कुल सादा वाटर दे सकते हैं, ना तो हम बहुत ज्यादा ठंडा ना बहुत ज्यादा गर्म, हम बीच का। मतलब एक बार आपने अपने वाटर को, बेबी के वाटर को बॉईल कर दिया, उसे नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाने दो, रूम टेम्परेचर पे हो जाने दो, फिर उसको दे सकते हैं। तो इससे क्या है, उनको जो सॉलिड है उसे डाइजेस्ट करने में भी उनको वाटरी कंटेंट मिलेगा और प्लस ये उनको इजीली डाइजेस्ट भी करेगा। तो वाटर हमें उनको इंट्रोड्यूस कराना होता है, 6 महीने के बाद से हम उन्हें वाटर दे सकते हैं। इसके अलावा अब क्वेश्चन ये भी होता है कि हम बच्चों को ये फूड कब से दें। इसका भी आंसर ये है, हम बच्चों को फूड मॉर्निंग में दें या आफ्टरनून में दें, जिससे क्या है सारे दिन में वो लोग अपना ये फूड्स जो ले रहे हैं उसे डाइजेस्ट कर सकें। क्योंकि क्या है, बच्चे नए हैं, बच्चों के लिए ये फूड बिल्कुल नया है, उन्हें आदत ही नहीं है, उन्हें मालूम ही नहीं है कि ये भी कोई फूड होता है और इसे खाना होता है। उन्हें कुछ नहीं मालूम, उन्हें आप जो दोगे वो एक्सेप्ट करते हैं। तो उनके पास टाइम तो हो उसे डाइजेस्ट करने के लिए। अगर वो सुबह खाएगा तो सारे दिन में उसे डाइजेस्ट कर पाएगा अपनी एक्टिविटी के थ्रू। अगर आप उसे वही फूड रात में देते हैं तो वो हो सकता है कि कोई भी एक्टिविटी ना करने की वजह से उसे डाइजेस्ट ही ना कर पाए, उसके पेट में दर्द हो जाए, उसे गैस हो जाए या उसे मोशन हो जाए, वोमिट हो जाए। हम कुछ समझ ही नहीं पाएंगे कि बच्चे को ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसके लिए बेस्ट है कि हम उसे मॉर्निंग में दें या आफ्टरनून में दें, जिससे वो सारे दिन में उसको डाइजेस्ट कर पाएगा। एंड हाँ, एक दिन में हम कोई भी एक फूड ही उसको बना के दें, हम उसके साथ एक्सपेरिमेंट ना करें कि हम आज ये भी दे दिया हमने, वो भी दे दिया, सारी चीजें हमने आज ही एक्सपेरिमेंट कर ली कि बेटा खा लो आज, तो अब तो तुम 6 मंथ्स के हो गए, अब तो तुम खा लो। तो हमें ऐसे नहीं करना है, बच्चे को थोड़ा टाइम देना है, उसे समझना है कि ये चीज बच्चे को सूट हो रही है या नहीं। हर बच्चे का अलग अलग नेचर होता है, उनकी अलग अलग कैपेसिटी होती है, तो उसी अकॉर्डिंग वो अपना फंक्शन करते हैं। तो हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना है इन चीजों को लेकर, और बाकी उनको बस सारे टाइम मॉनिटर करना है। जब भी हम कुछ नया दे रहे हैं हमें ये देखना है कि उससे उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो ये एक थोड़ा सा
ऐसा मॉनिटराइजेशन वाला पार्ट है जो कि हमें बच्चों पे हमेशा देना होता है कि जब हमने कुछ दिया तो उसने उसे एक्सेप्ट किया और उसे डाइजेस्ट किया और उसे कोई परेशानी नहीं हुई, हम उसे फिर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। हम ये सारे फूड्स को आगे उसके आने वाले एक साल तक हम दे सकते हैं इजीली। बस ये है कि 9 महीने तक उनको थोड़ा सा प्यूरी फॉर्म में दें, उसके बाद में उन्हें बस मैश करके दे दें, और बाद में तो बच्चों को दांत वगैरह आ जाते हैं तो उनको प्रॉब्लम नहीं आती है, वो चू करके इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो गाइस ये था आज का हमारे वीडियो में इन्फॉर्मेटरी फैक्टर, 6 महीने से लेके 12 महीने तक के बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटरी रहा होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स के रिप्लाई दूंगी और आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। थैंक यू।